RCS messaging Android to iPhone and how to enable RCS messages in iPhone and Android. Alright guys, welcome back to new video. कैसे आप high qualities में photos and videos को as a messages send कर सकते हैं जो कि possible है सिर्फ और सिर्फ RCS की मदद से. तो कैसे आप इस feature को enable करेंगे अपने iPhones के ऊपर, plus कैसे आप Android to iPhone या फिर iPhone to Android RCS messaging करेंगे, right? तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये iPhone है एंड ये हमारे पास Android फ़ोन है. तो कैसे आप इसको इनेबल करेंगे, बाय द वे गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो आप फोटोज़ एंड वीडियोस शेयर करते हैं, चाहे आपके पास मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई, आपकी जो फोटो एंड वीडियो है एज ए मैसेजेस जो कि आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, सेम टू सेम वही फीचर आपके अप्लाई हो जाता है और जो फोटो एंड वीडियो की क्वालिटी होती है वो सेम टू ही सेम आपको देखने को मिल जाती है एज ए RCS मैसेजेस. ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसको इनेबल करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कैसे आप इसको आईफोन में एंड एंड्रॉयड में करेंगे. तो अगर आईफोन की बात करें तो वो मैं आपको बता दूंगा, बट सबसे पहले मैं एंड्रॉयड के ऊपर बता देता हूँ कैसे आप इसको करेंगे. गाइस मैंने यहाँ पे आईफोन का वॉलपेपर लगाया, बट एंड्रॉयड ये एंड्रॉयड फ़ोन ही है. तो इसके लिए आपको सबसे पहले RCS मैसेजेस को इनेबल करने के लिए आपको जाना है अपने फ़ोन के एंड्रॉयड फ़ोन में मैसेजेस जो है इसके ऊपर चले जाएँ, जो कि आपको मिलता है एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट. और उसके बाद यहाँ पे बेसिकली गूगल मैसेज है, तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल देखने को मिलती है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैसेजेस सेटिंग देखने को मिलती है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे. तो जैसे आप सभी यहाँ पे पहुँच जाते हैं, उसके बाद आपको टॉप पे RCS चैट का एक ऑप्शन मिल जाता है एंड्रॉयड फ़ोन में. तो आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस वाली ऑप्शन को आपने इनेबल कर देना है. जैसे आप इसको इनेबल कर देते हैं, बस अब आप बैक कर दें, एंड्रॉयड फ़ोन में डन हो चुका है. और आईफोन में आपको कैसे इनेबल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ. और डायरेक्टली आप जो भी फोटोज़ एंड वीडियोस यहाँ से शेयर करना चाहते हो आप कर सकते हैं एज ए RCS मैसेज एंड्रॉयड टू आईफोन एंड आईफोन टू एंड्रॉयड, राइट? तो आईफोन में आपको इनेबल करने के लिए क्या करना है, इस तरीके सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे. और सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद गाइस मेक श्योर करें कि सबसे पहले आपको जनरल पर जाना है और सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएँ. आपका आईफोन जो है लेटेस्ट वर्जन में अप टू डेट होना चाहिए इन टू द iOS 18 में या फिर बीटा 2 में होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इस आईफोन 13 में तो अपडेट नहीं किया, बट मेरे पास जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने इसको अप टू डेट किया हुआ है. और अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपको कौन सी सेटिंग करनी है वो गाइस, तो आईफोन में यहाँ पे RCS मैसेजेस को इनेबल करने के लिए बेसिकली आप अगर जाएंगे सेटिंग्स के ऊपर, तो सेटिंग्स में आपको जाने के बाद सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपका आईफोन सॉफ्टवेयर वर्जन में अप टू डेट होना चाहिए लेटेस्ट iOS 18 में, राइट? और सेकंड है कि आपको यहाँ पे जाना है इस तरीके से. इसमें जाएंगे तो आप सभी अगर आपने कोई VPN वगैरह यूज़ कर रखी है उसको आप डिसकनेक्ट कर दें, ठीक है? थर्ड है आप यहाँ पे इस तरीके स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको एप्लीकेशंस का एक सेक्शन देखने को मिलता है, जस्ट टैप ऑन इट. अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली मैसेजेस को सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर आपको आएगा मैसेजेस, इसके ऊपर आप क्लिक करें. और जब क्लिक कर देंगे ना तो यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि काफ़ी लोगों के आईफोन में RCS मैसेजेस का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है आफ्टर अपडेटिंग इवन, राइट? तो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको चार पांच ऑप्शन मिलेंगी, सेंड एस SMS, तो यहाँ पे आएगा सेंड एस RCS या फिर, तो इसको आपने इनेबल करना है, बट मेरे आईफोन में शो नहीं कर रहा है. यहाँ पर आपको देखना है एक ऑप्शन आएगी सेंड एस RCS मैसेजेस, तो आपने उसको इनेबल कर देना है. बट काफ़ी लोगों के आईफोन में शो नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है मैं आपको तरीका बताता हूँ. गाइस हो सकता है कि ग्लिच है आईफोन का, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के आईफोन में शो ही नहीं कर रहा है. तो बाय द वे आपका आईफोन अगर सपोर्टेड है तो आपको शो कर जाएगा, अदरवाइज मैं आपको कुछ प्रोसेस बता रहा हूँ. अपने आईफोन को लेटेस्ट वर्जन में अप टू डेट कर लें और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बार रीस्टार्ट करके भी देख सकते हैं. बस यहीं पर आपको जाना है और सेटिंग में जाने के बाद इसको आपने इनेबल करना है, जो कि आपको शो हो जाएगा. तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच गाइज़.